हेलो बच्चों, तो हम लोग ने 8 चैप्टर का बेसिक जो ग्राफ को ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट से वो सीख लिए सारे। अब हम चैप्टर 8 को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 8 को स्टार्ट करने से पहले दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड इट इज़ यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स। इसको यूज़ करने से पहले दो फॉर्मूलेज हैं जिनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि जो पहला फॉर्मूला है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉर्मूला, वो है इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² dx। तो इस फॉर्मूले के जो रिजल्ट है उसको ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। और रिजल्ट क्या है, x/2 √a² - x² + a² / 2 sin inverse x/a। तो इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है कि x/2 आएगा शुरुआत में, उसके बाद क्वेश्चन आएगा एज इट इज √a² - x² + आएगा बीच में a² / 2 आएगी एक टर्म, उसके बाद वो फॉर्मूला आएगा जो ये फॉर्मूला 1/1 में था, sin inverse x/a। ठीक है, वैसे तो कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, इजीली याद कर सकते हैं। √a² - x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 √a² - x² + a² / 2 sin inverse x/a। और दूसरा जो फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ होता है वो है √x, जिसको कि सब लोग जानते हैं। √x को कैसे करना है इंटीग्रेट, तो √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 x³/3/2। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं सॉल्व, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो जैसे हमने ये जो फॉर्मूले हैं इनके ऊपर एक एग्जाम्पल यहाँ पर चूज़ किया हुआ है, और हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2√x, इंटीग्रेशन 0 to 4। तो देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 x³/3/2, लिमिट क्या है हमारी 0 से 4, एज इट इज लिखेंगे। प्लस अब यहाँ ध्यान देना है, ये है √। अब देखो इंटीग्रेशन क्या है, √16 - x - 4² होल स्क्वायर, 16 - x - 4² होल स्क्वायर। तो ये जो इंटीग्रल है इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, 4 to 8 इंटीग्रेशन, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4² - x - 4 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन जो बन गया वो बन गया a² - x² √ के अंदर, जो हमने पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो फॉर्मूले के हिसाब से अब इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या आएगा, x/2, x की जगह पे क्या लिखा है, x - 4/2, ये हो गया x/2। √, इसके बाद क्वेश्चन लिखा जाता है पूरा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 16 - x - 4 का होल स्क्वायर। फिर क्या आता है, प्लस a² / 2, ए स्क्वायर कितना है, 16 है, क्योंकि ए 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो a² / 2, 16/2, उसके बाद क्या आता है, sin inverse x, x क्या है, x - 4/a क्या है, 4, और हमारी जो लिमिट्स हैं वो हैं 4 to 8। तो इस तरीके से इंटीग्रेट करना है इसको, जहां भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से यूज करेंगे इसको। अब ये लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, तो 2 बाहर है और ये 2/3, देखो 2 × 2/3 4/3 हो गया, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब हम एक्स की जगह पे रखेंगे 4, अपर लिमिट 4³/3/2, माइनस लगाएंगे बीच में, बाई डिफॉल्ट आता है माइनस, फिर रखेंगे 0। पहले अपर लिमिट रखते हैं, माइनस लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट रखते हैं एक्स की जगह पे। तो पहले हमने 4 रखा, 4³/3/2 हो गया, बीच में माइनस लगाया, फिर रखा 0, तो 0 रखेंगे तो 0 आंसर आएगा। प्लस सिमिलरली यहाँ पर पुट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे इसमें, 8 पुट करेंगे। तो देखो 8 पुट करने से क्या होगा, 8 - 4/2, अपर लिमिट रखी हमने, √16 - 8 - 4 का होल स्क्वायर + 16/2 sin inverse 8 - 4/4, ये हो गई अपर लिमिट, ये हमने अपर लिमिट पुट कर दी इसके अंदर। ठीक है ना, अब पुट करेंगे लोअर लिमिट, माइनस आएगा बीच में, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर लिमिट 4 रखेंगे। तो देखो 4 - 4/2, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, जो भी टर्म 0 हो रही है उसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। अभी मैं तुम्हें पूरा लिख के दिखा रहा हूँ सॉल्व करके, 16 - 4 - 4 का होल स्क्वायर + 16/2 sin inverse 4 - 4/4, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये हमने लिमिट रख दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो क्या होगा, 4/3 ब्रैकेट, अब 4³/3/2 कितना होगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2, और 2 का क्यूब हो गया 8, 4 ये 8 हो गया सॉल्व होके, -0। प्लस अब ध्यान देना सब लोग, अब यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, ये जो टर्म है अगर हम इस रूट वाली टर्म को देखें ध्यान से, तो ये 0 हो रही है, ये रूट वाली टर्म हमारी 0 हो रही है। तो 8 - 4/2 जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा, पहली ब्रैकेट में यहाँ 0 हो गया, क्योंकि 16 - 4 का स्क्वायर है, तो 16 - 16 0 हो गया। प्लस क्या बचेगा, 16/2। अब देखो 16/2 को सॉल्व कर लेंगे, तो 16/2 क्या हो गया, 8 हो गया,
साइन इनवर्स 8 माइनस 4 अपॉन 4, साइन इनवर्स 4 अपॉन 4, साइन इनवर्स 1 बन गया, ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस। अब देखो अगली टर्म 4 माइनस 4, अब यहाँ देखो ये 4 माइनस 4 वाली टर्म 0 हो गई, तो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, पहला पार्ट पूरी टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, ठीक है ना। बीच में क्या है प्लस 16 बाई 2, अब देखो नेक्स्ट टर्म हमारी ये वाली भी देखो 0 हो रही है, तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म भी हमारी 0 हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4 बाई 3 इंटू 8 कितना हो गया 32 बाई 3, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये 8 साइन इनवर्स 1, तो इसमें साइन इनवर्स 1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2 होता है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है 8 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे 4 बाई 3 प्लस पाई बाई 2, और यहाँ लगाएंगे जो भी हमारा एरिया, क्योंकि एरिया पढ़ रहे हैं तो यहाँ लगाएंगे स्क्वायर यूनिट्स, अगर एरिया का क्वेश्चन है ये तो, ये ठीक है, हम इसमें से इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा इंटीग्रेशन है वो इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से इस इंटीग्रल वाले पार्ट को जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करके हमें पता लग गया कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन जो हैं वो सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, अब देखो अब हम कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जो हमारा चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, जो हमें फर्स्ट चीज पढ़नी है वो क्या है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द लिमिट्स एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। हमारा पूरा चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द लिमिट्स एंड एरिया बिटवीन द कर्व्स, दो चीजें पढ़नी है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके अंदर हम सीखेंगे एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द लिमिट्स क्या है, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी दो वैल्यूज होंगी, आपको मालूम है लिमिट दी होंगी और नहीं तो निकालनी पड़ती है, तो हमें दो कॉन्सेप्ट्स को समझना है। तो हम पहला कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं अभी एरिया अंडर द कर्व, जो हम इस लेक्चर में सीखेंगे सारे एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन सीखेंगे, तो हम यहाँ पर पहला जो पार्ट है उसको लेके चल रहे हैं। तो आप देखो कि यहाँ पर हमने मान लिया कि y इक्वल टू fx हमारे पास एक कर्व है, y इक्वल टू fx, और ये कर्व हमने ड्रॉ कर लिया, ये कर्व देखो ड्रॉ कर लिया, जब हमने कर्व ड्रॉ कर लिया y इक्वल टू fx, अब हमने x इक्वल टू a और x इक्वल टू b लाइन ड्रॉ की, ये हम पहले से बेसिक चीज में सीख के आ रहे हैं कि x इक्वल टू ए जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू ए लाइन ड्रॉ कर ली, देखो यहाँ पे ये x इक्वल टू ए लाइन ड्रॉ हो रही है और x इक्वल टू बी लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये दोनों लाइनें x एक्स पे परपेंडिकुलर होंगी, ये हमारी लिमिट है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं एरिया अंडर द कर्व, जो कर्व के अंडर में एरिया, नीचे एरिया है और लिमिट्स के बीच में, तो वो एरिया हमें ये वाला नजर आता है जिसको मैं शेड कर देता हूँ, ये एरिया हमें निकालना है। तो ये जो एरिया हमें निकालना है इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, तो इस ए बी सी डी एरिया को निकालने के लिए, क्योंकि एरिया की कोई यहाँ पर पर्टिकुलर शेप नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जनरली जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वो एरिया के पर्टिकुलर शेप के लिए पढ़ रखे हैं, तो पर्टिकुलर शेप नहीं है इसीलिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन यूज़ हो रही है एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द लिमिट्स एंड अबव एक्स एक्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका तरीका क्या होगा वो सीखते हैं, देखो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर जो एरिया हमें पता लगाना है उस एरिया को क्या करा जाता है, बड़ी पतली पतली स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया जाता है, तो जो एरिया है हमारा उसको हम एक स्ट्रिप में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि हमारे पास, हमने इस एरिया में एक स्ट्रिप ड्रॉ करी, बहुत पतली स्ट्रिप ड्रॉ करी, इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो एक्स के ऊपर आ रही है, देखो इसकी चौड़ाई एक्स के ऊपर आ रही है, तो इसको हम डी एक्स बोलेंगे, बहुत ही मिनिमम है, जिसको हम एच बोलते हैं, ये जो हमारी स्ट्रिप है इसकी विड्थ कितनी है एच है। इसको पतला क्यों रखा गया है, डीएक्स क्यों रखा है इसकी विड्थ को, ताकि हमारे जो ऊपर कर्व का जो पार्ट है वो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाए एक, और इसकी जो लेंथ है अगर हम लेंथ को देखेंगे तो वो लेंथ हमारी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में नापी जा रही है, वो लेंथ वाई के पैरेलल है, तो इसकी जो लेंथ है वो एक्चुअली क्या है वाई है। तो अगर हम यहाँ पर एरिया देखें, किसका एरिया, स्ट्रिप का एरिया, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप जो है वो क्या है, देखो एरिया ऑफ स्ट्रिप होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ क्या है इसकी वाई और ब्रेड्थ क्या है डीएक्स। अब ये स्ट्रिप कितनी है यहाँ पे, ये स्ट्रिप हमारी इसके अंदर इनफाइनाइट है, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, वो ए से बी तक वेरी कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टोटल एरिया निकालूं, टोटल एरिया ए बी सी डी होगा इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन किस लिए हो रहा है, सम के लिए, फ्रॉम ए टू बी, कहां से कहां तक वेरी कर रही है, ए से बी तक वेरी कर रही है,
और एक स्ट्रिप का एरिया कितना है, वाई डी एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, जितनी स्ट्रिप हैं उन सब का एरिया का सम करके निकाल के दे देगा हमें। तो ये हमारे एरिया का फॉर्मूला होता है, वाई इंटू डी एक्स। अगर उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो एरिया है हमारा वो एक्स एक्स के ऊपर है पूरा। तो और लिमिट क्या है हमारी, कहाँ से कहाँ तक एरिया वेरी कर रहा है, ए से लेके बी तक एरिया हमारा वेरी कर रहा है। तो ये पहला फॉर्मूला आपने देखा कि टोटल एरिया अगर हमें निकालना है तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा कर्व का, उसके बाद एरिया डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा एरिया निकालना है, और उसके बाद फिर हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट निकालने के बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एरिया का फॉर्मूला होगा वाई डी एक्स, और अगर हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एरिया का फॉर्मूला होगा एक्स डी वाई। उसको भी देख लेते हैं किस तरीके से करना है। देखो जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमने देखा कि जो हमारा एरिया है वो वाई के रेस्पेक्ट में है। देखो ये जो एरिया है ये किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, वाई के रेस्पेक्ट में। तो वाई के रेस्पेक्ट में मतलब एरिया पूरा वाई एक्सिस के ऊपर है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, वाई ए से लेके बी तक वेरी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट होगी वो वाई के लिए होगी। तो हमारा जो कर्व है वो भी क्या होगा, एक्स इक्वल टू एफ वाई के फॉर्म में होगा, एक्स की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ वाई, पूरा रिवर्स हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक स्ट्रिप एज्यूम करते हैं, ये स्ट्रिप वेरी करेगी, और ऐसी हमने स्ट्रिप बहुत सारी इसमें बना देंगे सेम विड्थ की। तो इसकी विड्थ देखो किसके ऊपर आ रही है, इसकी चौड़ाई जो है स्ट्रिप की जो विड्थ है वो वाई एक्सिस के ऊपर आ रही है, तो इसको डी वाई बोलेंगे, और इसकी जो लेंथ है वो किसके रेस्पेक्ट में नापेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में नापेंगे, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप वो होगा एक्स डी वाई। तो इसका मतलब हमारा टोटल एरिया, टोटल एरिया ए बी सी डी होगा इंटीग्रेशन एक्स डी वाई, एक्स डी वाई, और लिमिट क्या होगी इसकी, लिमिट लोअर लिमिट है ए, और अपर लिमिट क्या है बी, ए से बी के बीच में वेरी करेंगी ये सारी स्ट्रिप्स, और इन सबको ऐड करके हमारा टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन किसके लिए यूज होता है, सम के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन हमारा यूज हो रहा है सम करने के लिए, और वो पतली पतली स्ट्रिप जितनी है उन सबको ऐड करके हमारा आंसर निकलेगा। लेटर स्टेज पे क्या होगा, हम स्ट्रिप ड्रॉ करना बंद कर देंगे, ठीक है ना, हमें डायरेक्ट पता होगा कि हमें एरिया किस तरीके से निकालना है। अगर वो एक्स एक्स के ऊपर एरिया तो हम उसको वाई डी एक्स की फॉर्म में लेंगे, और अगर वाई एक्स के ऊपर एरिया तो एक्स डी वाई की फॉर्म में लेंगे, और जो रेस्पेक्टिव लिमिट है वो उस वेरिएबल की आएंगी। अगर एक्स एक्स के ऊपर है एरिया तो एक्स के लिए लिमिट आएंगी ए टू बी, और अगर वाई के ऊपर है तो वाई की लिमिट आएंगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इसका एक और पार्ट देखो, थर्ड पार्ट, कभी कभी क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर आ सकता है, तो जो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें एरिया जनरली पॉजिटिव आता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एरिया का साइन नेगेटिव आ जाता है, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो आप देखो यहाँ पर जो हमने थर्ड पार्ट लिया है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारा एरिया है तो एक्स एक्सिस के ऊपर, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एरिया है तो सेम प्रोसेस में चलेंगे, हमने एक स्ट्रिप ड्रॉ करी यहाँ पे, यहाँ पर एक पतली सी स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो dx होगी, और इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी y। सेम प्रोसेस में आंसर आएगा, लेकिन एक फर्क होगा इसमें। तो यहाँ पर जो एरिया है, इस एरिया को नाम दे देते हैं हम a b c d। तो यहाँ पे जो एरिया a b c d होगा वो मॉड में होगा, मॉडुलस के अंदर, और एरिया का फॉर्मूला वही होगा। लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, हमारी लिमिट वेरी कर रही है x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक। जो हमारा एरिया है वो a से b के बीच में वेरी कर रहा है, तो लिमिट होगी a टू b, और एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, वाई डी एक्स, वाई डी एक्स, वाई डी एक्स। एक स्ट्रिप का एरिया कितना है, लेंथ इन टू ब्रेथ, वो सारी स्ट्रिप्स को हम सम कर रहे हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो ये x के रेस्पेक्ट में सॉल्व हो रहा है, तो इसका एरिया क्या होगा, वाई डी एक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर मॉड क्यों लगाया, क्योंकि ये एरिया ओवरऑल जब सॉल्व करके आंसर आएगा तो नेगेटिव में आएगा, और एरिया नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए बाहर मॉड लगाना है। तो इसका मतलब अगर हमारा एरिया का पार्ट या एरिया थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो बाहर क्या लगाना है, उसके मॉड लगाना है। तो ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनको आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, ये प्रोसेस आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो हम अब अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पहली प्रॉब्लम ली है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया अंडर द कर्व, हम एरिया अंडर द कर्व पढ़ रहे हैं, ये पहली टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया अंडर द कर्व्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यूजिंग इंटीग्रेशन। सबसे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लिया है कि सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर वो आया कैसे। तो यहाँ पे जो सर्कल की, जैसी सर्कल की इक्वेशन आएगी तो आपको पता है सर्कल की इक्वेशन जिस तरीके से हमारे सामने आती है उसमें से सबसे पहले सेंटर और रेडियस निकालते हैं। तो आप ध्यान से देखो कि इस सर्कल, जो सर्कल दिया है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म में दिया है, और ये हमारी एक स्पेशल केस है। और इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, जीरो जीरो होता है, और रेडियस जो है वो ए बन जाएगा इसका, क्योंकि आर स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, रेडियस ए आ गया। सर्कल का सेंटर क्या है इसका, जीरो जीरो है। अब एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे वो समझते हैं।
तो हमें इस रफ स्केच बनाना है पहले, तो सेंटर को प्लॉट कर दिया हमने 0 0, देखो सेंटर 0 0 रफ फिगर में दिखा दिया। अब इसका रेडियस कितना है सर्कल का, उसको प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास रेडियस ए है, तो ये डिस्टेंस जो है ओ ए वो क्या होगा, ए होगा, ये रेडियस हमारा ए हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने सर्कल को ड्रॉ कर लिया, रेडियस भी पता लग गया, सेंटर पता लग गया, सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें निकालना है एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। अब सर्कल के अंदर जो एरिया एनक्लोज हो रहा है वो तो चारों क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि ऐसा कौन सा मिनिमम पार्ट है जिसको निकालने से हमारा टोटल एरिया निकल के आ जाए। तो वो हमें समझ में आता है कि वो हमारा एरिया है ओ ए बी, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नजर आ रहा है। मैं देखो ये वाला, ये जो एरिया है, अगर इस एरिया को ओ ए बी एरिया को निकाल लिया जाए तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। तो हमें ये करना होता है क्वेश्चन के अंदर कि हम पहले ये डिसाइड करते हैं क्वेश्चन में कि हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है और उस एरिया को किस मिनिमम कौन से एरिया से हम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल होगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ओ ए बी क्वाड्रेंट, जो क्वाड्रेंट है ओ ए बी उसको 4 टाइम्स करना है। अब जो एरिया हम निकालने जा रहे हैं उस एरिया में हमने एक स्ट्रिप ड्रॉ कर ली, ठीक है, आने वाले टाइम पर हम स्ट्रिप को ड्रॉ नहीं करेंगे, अभी समझने के लिए कर रहे हैं। तो हमने एक स्ट्रिप ड्रॉ कर ली, अब इस स्ट्रिप जो है, इस स्ट्रिप की विड्थ क्या होगी, इस विड्थ को हम देख रहे हैं एक्स के ऊपर नापा जा रहा है, तो इसकी विड्थ क्या होगी, डी एक्स होगी, इस स्ट्रिप की विड्थ डी एक्स होगी, और इसकी लेंथ वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी लेंथ जो होगी वो वाई होगी, क्योंकि वेरिएबल स्ट्रिप है, स्ट्रिप तो वेरी करेंगी सारी। तो ये तो एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें बहुत सारी स्ट्रिप हैं इस एरिया के अंदर, तो उसकी जो वेरिएबल लेंथ है वो वाई है, और वेरिएबल विड्थ, विड्थ इसकी कांस्टेंट, एक्चुअली विड्थ फिक्स्ड है, डीएक्स ही है, ठीक है, तो डीएक्स विड्थ रहेगी और इसकी लेंथ क्या है, वाई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी निकालने के लिए हम देखते हैं कि हमारा एरिया जो है वो कौन से कर्व के अंडर में, वो कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के अंडर में सर्कल को हम y इक्वल टू एफ एक्स मान रहे हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी सर्कल की इक्वेशन में से। अब जो y के अंडर में एरिया है उसको देखेंगे वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जो हमें निकालना है एरिया ओ ए बी वो किस जगह से किस जगह तक वेरी कर रहा है। इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस एरिया को आपको पता लगाना है, जो भी एरिया हमें पता लगाना है, उस एरिया में देखो वर्टेक्स कितने हैं, तो हमें उसको वर्टेक्स नजर आ रहे हैं, एक ओ है, एक ए वर्टेक्स है और एक बी वर्टेक्स है, मैंने रेड इस कलर से इसको शो किया है, देखो एक ओ है, एक ए है और एक बी है, और ये एरिया हमारा हम किसके रेस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में निकालने जा रहे हैं। इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जितने वर्टेक्स हैं इन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को पता लगाएंगे सबसे पहले। अब देखो रूल के स्टेप्स आ रहे हैं अब हमारे, तो सबसे पहले क्या करा हमने, सबसे पहले हमने देखा फिगर बनाई, हमने फिगर बनाने के लिए हमने सर्कल का सेंटर रेडियस निकाला, उसको प्लॉट कर दिया सर्कल को, फिर हमने देखा कि एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, तो हमें सर्कल का पूरा एरिया निकालना है, तो हमने उसको डिसाइड किया कि हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट उसमें आ रहा है क्वाड्रेंट के अंदर, सर्कल का 1/4 जो है। अब इस एरिया को निकालने के लिए हमने देखा कि जो हमारा एरिया हमें फाइंड आउट करना है ओ ए बी, उसके वर्टेक्स कितने हैं, उसके 3 वर्टेक्स हैं, तो पहले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं। अब ए के कोऑर्डिनेट देखो, क्योंकि रेडियस पता है हमें, तो ए के कोऑर्डिनेट हमें क्या पता लग गए, ए के कोऑर्डिनेट हमें पता लग गए ए कॉमा 0, क्योंकि रेडियस ए है ए कॉमा 0, और सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 कॉमा ए होगा, क्योंकि बी का जो ये भी रेडियस है हमारा और ये भी डिस्टेंस क्या होगा, ओ बी ए होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे तीनों पॉइंट्स हैं, अब ध्यान देना सब लोग, ये जो तीनों पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट से किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो आप देखो जब हम बी से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो वो तो हमारा वाई एक्सिस ही है, खुद ही हमने B से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, जब B से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर तो वो वही परपेंडिकुलर जो O से गिर रहा है X X के ऊपर। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी इक्वेशन को लिखना है हमने, मतलब X की वैल्यू लिखनी है। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर आ रहा है O से, ओ बी जो परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0। ओ बी पॉइंट पर एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, और ओ पॉइंट पर भी एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो दोनों पॉइंट पर एक्स की वैल्यू 0 है, तो लाइन कौन सी आ रही है नीचे परपेंडिकुलर, एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ए पॉइंट पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर एक एक्स एक्स के ऊपर, ए पॉइंट से, तो हमने ए पॉइंट से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर एक्स एक्स के ऊपर इस तरीके से। तो जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी जो ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू है, दैट इज एक्स इक्वल टू ए। ये हमारी लिमिट निकल के आ गई इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर हमने लिखा लेफ्ट में एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ओ ए बी, तो 4 टाइम्स ऑफ एरिया ओ ए बी का मतलब हो गया इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, फॉर्मूला क्या लगेगा, वाई डी एक्स, और हमारी लिमिट क्या है, 0 से लेके ए, जो हमारा एरिया है वो 0 से ए के बीच में वेरी कर रहा है, 0 से ए के बीच में वो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व है और अबव एक्स एक्सिस है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 4 टाइम्स
वाई डी एक्स एरिया हो गया इंटीग्रेशन, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, जीरो से ए तक। अब आपको पता है कि जब हम इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के कर रहे हैं, तो वाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, जो सर्कल की इक्वेशन है उसमें से वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, इसमें से वाई की वैल्यू निकालो। तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमेशा वाई की वैल्यू कर्व के अंदर से निकालनी है, जो कर्व दे रखा है उसमें से वाई की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे। अब ये क्वेश्चन तैयार है सॉल्व होने के लिए, इतना आपको करना है क्वेश्चन में। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका फॉर्मूला हमने शुरू में बताई दिया था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट क्या है हमारी, जीरो टू ए। अब हम अपर लिमिट रखेंगे इसके अंदर फोर टाइम्स, अपर लिमिट रखो ए, तो अपर लिमिट ए रखेंगे तो क्या होगा, देखो ए बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए, ये हो गई अपर लिमिट। माइनस लगाएंगे बीच में, फिर रखेंगे लोअर लिमिट जीरो, तो जीरो एक्स की जगह पर रखेंगे तो जीरो ही हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो बनेगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा फोर टाइम्स। अब देखो पहली टर्म ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो गई, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन, साइन इनवर्स वन, माइनस आगे के दोनों पार्ट क्या हो गए, जीरो हो गए। तो ये बचा हमारे पास। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा फोर टाइम्स ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई टू होती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर बचा, पाई ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स। और आपको सबको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया ऑफ सर्कल को डिराइव कर लिया, एंड दैट इज पाई ए स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा, इसमें कई सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एरिया ऑफ एलिप्स को डिराइव करेंगे। तो एलिप्स का एरिया हम याद करके आ रहे हैं, एरिया ऑफ एलिप्स क्या था हमारा, एरिया ऑफ एलिप्स था हमारा पाई ए बी, पाई ए बी हमारा एरिया ऑफ एलिप्स था। तो इस एरिया ऑफ एलिप्स को हम अब डिराइव करने जा रहे हैं, तो वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कर्व की इक्वेशन क्या है, कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू वन। और हम सबको पता है कि ए बी से बड़ा होता है, और यहाँ पर ए एक्स के नीचे, एक्स स्क्वायर के नीचे है, तो इसका मतलब जो एलिप्स है वो एक्स एक्सिस पे हमारा वाइड होगा। तो हमने देखो एलिप्स को ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस शो करी, वाई एक्सिस शो करी, सेंटर शो किया एलिप्स का, एलिप्स को ड्रॉ कर लिया। सेम प्रोसेस में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें एरिया निकालना है जो कि एलिप्स से एनक्लोज हो रहा है इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि एलिप्स जो है वो हमारे चारों क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है, तो हम ऐसा पार्ट ढूंढेंगे जिस पार्ट से ईजिली हमारा चारों टोटल एरिया ऑफ एलिप्स निकल के आ जाए। तो सेम हमारे सर्कल की तरह नज़र आ रहा है हमें कि अगर हम एरिया ऑफ एलिप्स निकालना चाहते हैं तो हम ओ ए बी एरिया निकाल लेते हैं। ओ ए बी हमारा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, और ये सिमेट्रिकल कर्व्स हैं, तो इसीलिए इनका एरिया, जो एरिया है ओ ए बी का, निकाल के फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा पूरा निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ एलिप्स को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ एलिप्स इज फोर टाइम्स ऑफ एरिया ओ ए बी। अब ओ ए बी एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रेशन की हेल्प से मुझे क्या करना है, मुझे अब मेरे पास चॉइस है, या तो मैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं या वाई के रेस्पेक्ट में। मैं तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, इसको वाई के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो हम एक स्ट्रिप बनाएंगे यहां पे, ठीक है ना। ये जो स्ट्रिप बनाई हमने, इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो किसके ऊपर मेजर हो रही है, एक्स के ऊपर मेजर हो रही है, तो उसको डी एक्स नाम देंगे। और उसकी लेंथ किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो वाई के पैरेलल है, तो ये वाई वाई मानेंगे इसको, क्योंकि ये स्ट्रिप बहुत सारी होंगी यहाँ पे, हम तो एक ही शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वाई जो है वो उसकी लेंथ है, जो कि वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेजर हो रही है, और जो उसकी विड्थ है, जो ब्रेड्थ है, वो एक्स के ऊपर है, तो इसलिए डी एक्स बोला उसको। अब ये जो हमारा स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप है, उसका एरिया क्या है, इस एक स्ट्रिप का एरिया है वाई इंटू डी एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। अब आती बात कि लिमिट क्या लेंगे, लिमिट लेने के लिए मैंने अभी आपको तरीका बताया था कि जो हमें फाइंड आउट करना है एरिया, वो एरिया कौन सा है, ओ ए बी एरिया है। तो हम इसको शेड कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा एरिया है ओ ए बी जो हमें फाइंड आउट करना है। इस एरिया को निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि इस एरिया के वर्टेक्स कितने हैं, कोने कितने हैं इसके। तो इसके वर्टेक्स जो मुझे नजर आ रहे हैं वो तीन वर्टेक्स हैं, ओ ए और बी। तो ओ के कोऑर्डिनेट को लिखो जीरो जीरो है, ए के कोऑर्डिनेट को लिखो। अब ए हमें पता है कि एलिप्स के अंदर ये डिस्टेंस कितना होता है, ओ ए, ये ए डिस्टेंस होता है, और ओ बी डिस्टेंस कितना होता है, बी डिस्टेंस होता है, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में सीख लिया था। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए,
ए कॉमा जीरो हो गए और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, जीरो कॉमा बी हो गए। अब क्या करेंगे, इन तीनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो बी पॉइंट और ओ पॉइंट ए की लाइन के ऊपर है और ये खुद ही परपेंडिकुलर है एक्स के ऊपर। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स एक्स पे ड्रॉप होगा परपेंडिकुलर। अगर ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा होता तो y के ऊपर ड्रॉप करते परपेंडिकुलर उन वर्टेक्स से। तो जैसे हम वर्टेक्स से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये जो b और o है ये एक परपेंडिकुलर आ रहा है जो कि y एक्सिस खुद ही है, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू जीरो। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू जीरो, जहाँ जो कि b का x कोऑर्डिनेट है और o का x कोऑर्डिनेट है, दोनों जीरो है, तो x इक्वल टू जीरो हो गया। अब हम देखते हैं कि a पॉइंट है, अब इस a पॉइंट पे ड्रॉप करेंगे एक परपेंडिकुलर, ए पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी जो ए पर एक्स की वैल्यू है, ए पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, ए है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए। तो ये दो लाइनें हमारी ड्रॉप होंगी परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ से पता लगा कि हमारा जो कर्व है वो वाई इक्वल टू एफ एक्स है। देखो मैंने शो कर दिया इसको, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व के अंडर में एरिया है और वो लिमिट कौन सी है, जीरो से ए के बीच में वेरी कर रहा है। देखो दोबारा ध्यान से इसको देखो, वाई इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, एरिया अंडर द कर्व, जो कि एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू ए के बीच में है, एरिया अंडर द कर्व एंड अबव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब हमारी जो लिमिट है इस क्वेश्चन की वो क्या होगी, वो होगी जीरो से लेके ए तक, ठीक है ना। अगर ये वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा होता तो इसकी लिमिट जीरो से बी होती। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ए की इंटीग्रेशन करना है कोई भी, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा फोर टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू ए। अब हमें वाई की वैल्यू रखनी है, तो वाई की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, कर्व में से निकालेंगे, कर्व कौन सा है, एलिप्स है, तो इस वाई की वैल्यू को आप याद कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ लेकिन आपको ये याद हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, इसमें से वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस बी स्क्वायर को उस साइड में ले जाएंगे, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू निकलेगी, रूट के अंदर आएगी। तो जब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो रूट लेंगे इसका, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट में से बाहर क्या आ गया, वाई इज इक्वल टू रूट में से बाहर आ गया बी अपॉन ए, तो बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये हमारी एलिप्स के अंदर से वाई की वैल्यू निकल के आ गई, देखो, ठीक है ना। ये वैल्यू को हम रफ में सॉल्व करके लिख सकते हैं क्योंकि इसको हमें डायरेक्ट यूज़ करना है क्वेश्चन में। तो आप देखो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, तो हमें वाई की वैल्यू रखनी है, तो वाई की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, वाई की वैल्यू हमने निकाल ली बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू है बी अपॉन ए, ये बाहर आ जाएगा, तो फोर बी अपॉन ए बन गया और बाकी पार्ट इंटीग्रेट होगा जीरो टू ए इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ए की फॉर्मूला यूज होता है रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। अब इस फॉर्मूले को हम सॉल्व करेंगे, तो फोर बी अपॉन ए ब्रैकेट, अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट तो हमें डायरेक्ट कॉपी करनी है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट क्या है हमारी जीरो टू ए। अब इस लिमिट को पुट करेंगे, फोर बी अपॉन ए, इसमें ए रख दो, तो जब हम इसमें ए रखेंगे, ध्यान देना मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जब हम ए रखेंगे तो पहली टर्म हो जाएगी ए बाई टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज जीरो, प्लस इसमें ए रखेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन, अब इसकी आदत बनाओ डायरेक्ट सॉल्व करने की, माइनस अब रखो जीरो, जब जीरो रखेंगे तो जीरो बाई टू हो गया, अब जीरो बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगी पहली टर्म, फिर सेकंड टर्म में जीरो रखेंगे तो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स जीरो, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स जीरो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए, फोर बी अपॉन ए, अगर डायरेक्ट नहीं होता है तो लिख लो, ठीक है, फोर बी अपॉन ए। क्या बचा हमारे पास, फोर बी अपॉन ए के साथ हमें सिर्फ एक ही टर्म नजर आ रही है अंदर, उसको लिख लेते हैं इन टू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई टू। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर क्या बन जाएगा पाई ए बी, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट्स। तो एक एलिप्स का एरिया जो होता है वो पाई ए बी होता है, इसी की हेल्प से सर्कल का एरिया निकलता है क्योंकि सर्कल एक एलिप्स का स्पेशल केस है जिसमें ए और बी बराबर होते हैं। तो आप देखो इस फॉर्मूले में ए और बी को इक्वल रख देंगे तो पाई ए स्क्वायर ही आंसर आ जाएगा। तो ये एलिप्स का इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया हमने डिराइव कर लिया, चाहे एलिप्स कोई भी फॉर्म में हो, चाहे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन हो, तब भी एरिया उसका पाई ए बी ही निकलेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से कर रहे हैं हम सॉल्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो हम चूज करेंगे वो सारे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं या सॉल्व एग्जांपल्स हैं,
ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। आप लोग बोर्ड में आया है, सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो साफ लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस उसकी एक बाउंड्री है, एक्स एक्सिस उसकी एक बाउंड्री बनेगी, एंड द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो सबसे पहले हम कर्व को पकड़ेंगे इसमें, तो कर्व हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 हमारे सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है ना। और ये हमारे स्पेशल केस है, तो इसमें सेंटर क्या होता है, 0 0 होता है, सबको पता है, पहले से पढ़ के आ रहे हैं हम इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर में सेंटर क्या है, 0 0 है। और इसका रेडियस क्या बना, आर बना रूट 32, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू बराबर होगी 32 के। तो रूट 32 को सॉल्व किया तो क्या बन गया, 4√2 बन गया। तो सबसे पहले सर्कल को हम ड्रॉ करेंगे, तो हमने सर्कल को ड्रॉ किया। सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हमने सर्कल के जो सेंटर है उसको प्लॉट किया। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आपने सेंटर को प्लॉट किया, तो सेंटर इसका 0 0 है ही। और इसका रेडियस कितना निकाला, इसका रेडियस निकाला 4√2। तो रेडियस हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पे 4√2 रेडियस प्लॉट करते ही हमें यहाँ पर ए पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। कैपिटल ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 4√2, 0। ऐसे करके कोऑर्डिनेट प्लॉट करते चले जाएंगे हम लोग। अब देखो आगे क्या लिखा है उसने, सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया पूरा, ठीक है। अब वो कहता है कि सर्कल के साथ एक लाइन भी है, सर्कल के साथ लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन को ड्रॉ कर दिया हमने। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दी, जो कि ओरिजिन से पास करेगी और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगी। y इज इक्वल टू एक्स लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, क्या कह रहे थे क्वेश्चन के अंदर, वो क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा रीजन एरिया निकालो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, एक्स एक्सिस से एनक्लोज्ड हो। एक्स एक्सिस देखो ये रही नीचे, तो ये एक्स एक्सिस हमारे पास, एक्स एक्सिस एनक्लोज्ड है, तो ये एक्स एक्सिस आ गई, ठीक है। और वो बोल रहा है लाइन और सर्कल के अंदर हो, तो इसका मतलब वो एरिया ये वाला है, जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया उसके हिसाब से हमें एरिया कौन सा नजर आता है, ये वाला। तो ये हमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है और समझ में भी आ रहा है कि इस एरिया जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है उसके अंदर उसकी बाउंड्री क्या क्या है। एक बाउंड्री उसकी एक्स एक्सिस है, दूसरी बाउंड्री लाइन है और तीसरी बाउंड्री सर्कल है। तो आप देखो हमारा एरिया बिल्कुल सही प्लॉट हो गया। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है फिगर बना के कि हमें कौन सा एरिया निकालना है। तो वो एरिया कौन सा है, इसको नाम दे देते हैं अब हम OAB, वो एरिया है OAB एरिया है, करेक्ट। अब इस OAB एरिया को निकालने के लिए नेचुरल सी बात है हमारा एरिया OAB रिक्वायर्ड एरिया है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें लिमिट की जरूरत पड़ेगी, और लिमिट की जरूरत जो हमारी लिमिट है उसको निकालने के लिए हम वर्टेसेस देखते हैं। तो हमें जो एरिया निकालना है उसके वर्टेक्स कितने हैं, OA एंड B। तो O हम निकाल चुके हैं, AB निकाल लिया, क्या बचा सिर्फ हमारे पास, B बचा। अब जो बी वर्टेक्स है उसको देखते हैं हम ध्यान से। तो ये बी वर्टेक्स जो है वो एक लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन से मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब हमें लाइन और सर्कल को क्या करना पड़ेगा, आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। अब लाइन और सर्कल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो तो लाइन की इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लिया, सर्कल की इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, और इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। और इसका एक 1 मार्क होता है एग्जाम में कि ये हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू एक्स रख देते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा x² + x² इज इक्वल टू 32। जो हमारी इक्वेशन है सर्कल की उसमें वाई की वैल्यू एक्स रख दी हमने लाइन से, तो ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 32। और यहाँ से x² की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ±4 आ गई। अब आप देखो जो बी पॉइंट है उसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। आप देखो ये लाइन सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, आप अगर देखेंगे तो लाइन एक बी पॉइंट पे कर रही है इंटरसेक्ट और एक यहाँ पर भी कर रही है इंटरसेक्ट। तो हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालना है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या ली जाएगी, बी की वैल्यू, बी जो वैल्यू बी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो देखो मैंने 4 को लिख दिया बी के सामने, तो हम लिखेंगे फॉर पॉइंट बी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। जब x की वैल्यू 4 हो गई तो फ्रॉम इक्वेशन 2 y की वैल्यू भी क्या हो गई, 4 हो गई, क्योंकि y किसके बराबर है, x के बराबर है। ध्यान से देखो जो y है वो x के बराबर है सेकंड इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 4 रख दो इसमें, तो y की वैल्यू 4 हो गई। तो इसका मतलब जो b पॉइंट है उसमें y की वैल्यू भी क्या निकली, 4 निकली। तो इसका मतलब हमने b पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हमारे पास सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे इन सारे पॉइंट से, अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा इसको। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स जो परपेंडिकुलर हैं वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉप होंगे। तो देखो ओ से तो परपेंडिकुलर, ओ तो खुद ही एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इससे तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ओ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि वो वाई एक्सिस है। फिर बी से ड्रॉप करेंगे एक परपेंडिकुलर, ये देखो B से ड्रॉप किया हमने परपेंडिकुलर, ये जो B से ड्रॉप किया हमने परपेंडिकुलर ये एक लाइन है एक्चुअली, है ना, परपेंडिकुलर का मतलब एक लाइन है। तो ये लाइन हमने जब आगे एक्सटेंड करी तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू जो B पर x की वैल्यू है, B पर x की वैल्यू क्या है, 4 है।
बी पे एक्स की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। तो ये लाइन जो हमने ड्रॉप करी बी से, उसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू 4, क्योंकि एक्स पे ड्रॉप किया आपने परपेंडिकुलर। फिर जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर एक्स एक्स के ऊपर, तो ए पॉइंट से जो ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर एक्स के ऊपर, इसकी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पर हम देखते हैं ए पर एक्स की वैल्यू क्या है, 4√2 है, तो एक्स की वैल्यू होगी 4√2। आने वाले टाइम पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना बंद कर देंगे, अभी तो हम समझने के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। हाँ, बी से तो ड्रॉप करना पड़ेगा, लेकिन यह कि अगर आपको शो नहीं करना तो हम डायरेक्ट लिमिट यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हम एरिया निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखो, ये जो एरिया निकालने जा रहे हैं, इस एरिया में दो पार्ट हैं। एक एरिया है, अब इसको नाम हमें देना पड़ेगा, जो एरिया ओ ए बी है वो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। एक तो हो रहा है ओ बी, सपोज हम इसको नाम देते हैं यहाँ पे डी, एक ट्राइंगल है ओ बी डी, और एक और एरिया है ए बी डी। ए बी डी एरिया भी हमारा नजर आ रहा है हमें, तो ये एरिया हमारे दो तरीके से नजर आ रहे हैं। एक तो एरिया जो कि ओ बी के अंडर में है, इस ओ बी को हम वाई वन नाम दे देते हैं, वाई वन, जो भी लाइन है जो भी कर्व है वो वाई इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में होता है, तो जो ओ बी है उसको वाई वन नाम दिया हमने। और जो बी ए पार्ट है, बी ए पार्ट को हमने नाम दे दिया वाई टू, वाई वन वाई टू। तो एक एरिया वाई वन के अंडर में है और लिमिट क्या है उसकी, जीरो से फोर, जीरो से फोर के बीच में, और दूसरा एरिया वाई टू के अंडर में है और उसकी लिमिट क्या है, फोर से 4√2। इसका मतलब एरिया ओ ए बी दो एरिया का सम है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एरिया ओ बी डी प्लस एरिया ए बी डी, दो एरिया का सम है ये। अब इन दो एरिया को हम आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो एरिया ओ बी डी क्या है, एरिया ओ बी डी है इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है ओ बी डी, ओ बी डी किसके बीच में, दो दो कौन सी पैरेलल लाइन है जिनके बीच में एरिया है, वो जीरो से फोर, और किसके अंडर में है, वाई वन डी एक्स। अब हम देखो, मैंने स्ट्रिप नहीं बनाई है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वाई वन डी एक्स प्लस। अब सेकेंड एरिया ए बी डी, सेकेंड एरिया ए बी डी जो है वो एरिया कौन सी लिमिट्स के बीच में है, फोर से 4√2 के बीच में है, करेक्ट, और ये कौन से y के नीचे है, y टू dx, यहाँ लिखेंगे y टू dx, एरिया अंडर द कर्व, कर्व की इक्वेशन आनी है y टू dx, y1 के नीचे और y2 के नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देखो 0 से 4 y1 जो है, जो y1 है वो क्या चीज़ है, y1 है लाइन, तो लाइन में से y की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो लाइन में से y की वैल्यू क्या है, x dx प्लस 4 से 4√2। y2 क्या है, y2 हमारे सर्कल का पार्ट है, अब ध्यान से देखो, जो y2 है वो सर्कल है, तो सर्कल में से y की वैल्यू रखेंगे, तो सर्कल में से y की वैल्यू क्या निकलेगी, अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वाई टू का मतलब है y की वैल्यू, तो y2 हमने सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म दिया उसको, तो y2 इज अ सर्कल, एक्चुअली पार्ट ऑफ अ सर्कल, ए बी इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया बिलो द सर्कल और एरिया बिलो द कर्व, तो y2 के अंडर में एरिया है वो, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए हम किस तरीके से इसको लिख रहे हैं, लिमिट समझ में आ गई, y की वैल्यू रख दी हमने, अब ये इंटीग्रेट करना रह गया है, तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो देखो x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट क्या है हमारी 0 से 4 प्लस, इसमें इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, 4 से 4√2, अंडर रूट 32 किसका स्क्वायर होता है, 4√2 का स्क्वायर होता है, तो 32 को 4√2 का स्क्वायर लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, क्योंकि फॉर्मूला जो लगाना है हमें वो लगाना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 32 4√2 का स्क्वायर हो गया। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको ये तो इंटीग्रेट हो ही गया, आप चाहो तो इसको हम साथ साथ में इंटीग्रेट भी कर सकते थे, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं एक बार, फिर दोबारा से लिख देंगे, तो 0 से 4 एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एक साथ ही करेंगे सबका, ठीक है। तो एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट हमारी क्या है 0 से 4 है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, एक ही फॉर्मूला है बस, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो क्वेश्चन है हमारा 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए का स्क्वायर कितना है 32 है, अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, ए कितना है 4√2 है, और लिमिट क्या है हमारी, लिमिट है हमारी 4 से 4√2, 4 से 4√2 लिमिट हो गई। अब इस लिमिट को हम इसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे पहले हम अपर लिमिट पहले वाले पार्ट में, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 16 अपॉन 2, 8 माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो गया प्लस, अब देखो ध्यान से 4√2 रखेंगे इसमें, तो आप देखो कि जो पहली टर्म है वो रूट में क्या है 32 माइनस 4√2 का स्क्वायर, तो 32 माइनस 32 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो चीज़ सॉल्व हो सकती है उसको सॉल्व करते जाएंगे प्लस, इसमें रखेंगे 4√2, तो 32 अपॉन 2 कितना हो गया 16, और साइन इनवर्स क्या बन गया 1, 4√2 रखने से 1 बन गया, बीच में क्या आता है माइनस, फिर 4 रखेंगे इसमें, तो जब 4 रखेंगे तो क्या होगा 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 2 हो गया, और अंडर रूट 32 माइनस 16
32 माइनस 4 का स्क्वायर, 32 माइनस 16 दैट इज 16, फिर आएगा प्लस, अब इसमें 4 रखेंगे तो ये जाएगा 32 बाई 2 दैट इज 16, साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 रूट 2 दैट इज 1 बाई रूट 2, ठीक है ना। तो ये हमने लिमिट रिपुट कर दी, अब इसमें वैल्यूज रखी जाएंगी, तो ये हो गया 8 प्लस 16, साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2 होता है, बीच में माइनस है, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 इंटू 2 8 हो गया, बीच में माइनस है, फिर माइनस लगेगा 16 साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 4 होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो देखो 8 से तो 8 कैंसिल हो गया, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया हमारा, ये जो दोनों टर्म हमें नजर आ रही हैं 16 पाई बाई 2 और 16 पाई बाई 4, इनका हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो इसमें से कॉमन ले लो पहले, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो देखो कॉमन क्या आएगा, इसके अंदर से कॉमन आ रहा है एक तो 16, एक आ रहा है पाई और एक आ रहा है 2, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 16 पाई बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बाई 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 पाई बाई 2 हो गया 8 पाई इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 2, तो आंसर क्या हो गया फाइनली 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपने, ये हमने तीन यहाँ पर क्वेश्चन देखे और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने सॉल्व किया, इसके आगे देखो अब हमें क्या करना है।